लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी, दिस इज अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर, और आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम थ्रू आउट एक न्यू फार्मूला जिसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को समझते हैं, फिर इसकी कुछ जो टेक्निक है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह तबारक ताला। आपके लिए ये भी एक्सरसाइज बड़ी आसान हो जाएगी, ये एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज को बड़ी अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन, इसके तकरीबन 21 पार्ट दिए गए हैं, तो इसी लेक्चर्स के अंदर इनको मैं कंप्लीट करूं। मे भी वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं एक ही वीडियो के अंदर इसके 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये डियर स्टूडेंट आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे थ्रू आउट आपने अगर मैथ की फील्ड में जाना है तो इस फार्मूले से आपकी वाबस्तगी जरूर पड़ेगी। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट असल में है क्या, अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं इस फार्मूले को लिखने से पहले बात बताता चलूं, क्योंकि हमने जो डियर स्टूडेंट्स वो 3 सेट पढ़े थे, सेट के अंदर जो मैंने आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताए उनको मैंने 3 सेट्स के अंदर डिवाइड किया था, तो वहाँ पे आपने एक बात देखी होगी कि हमारे पास किसी भी टेक्निक के अंदर कोई भी ऐसा फार्मूला मौजूद नहीं था जो हमने रूल पढ़े थे कि जिनके अंदर दो फंक्शंस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कोई कभी आपके पास लॉग का फंक्शन आ जाएगा, कभी इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, कभी पॉलिनोमियल भी हो सकती है, कभी आपके पास एक्सपोनेंशियल हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह का क्वेश्चन देगा। अब आगे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उसमें से किसको फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे और किसको सेकंड प्लेस पर रखेंगे, ये मैं फार्मूला लिखने के बाद आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आपने फिर उसी को ही फॉलो करना, बड़ी कॉमन सी वो टेक्निक है, मोस्टली टीचर वही बताते हैं, तो मैं भी वही आपको बताऊंगा। डिस्ट्रेस आपने क्या करना है, ये है आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये है आपके पास सेकंड फंक्शन, आप इसको याद कैसे रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, जो जी एफ एक्स होगा उसकी आपने क्या कर देनी थी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालें, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, और डिस्ट्रेस अगेन आपने क्या करना है जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर देनी। So, ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला, इसको आपने याद कैसे रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन डालने के बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन, सो ये है आपके पास डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास ये दोनों डिस्टिंक्ट फंक्शन हो सकते हैं तो फिर हम सबसे पहले किस फंक्शन को रखेंगे, पहले फर्स्ट प्लेस पे किसको रखेंगे, सो इसके लिए बड़ा आपने ये याद रखना है आई लेट एल ए टी ई, ये एक आपने टेक्निक याद रखनी है, इसी सीक्वेंस से आपने अपने जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे उनको अरेंज करना है। आई से क्या मुराद है बेटा, आई से मुराद है इनवर्स फंक्शन, ये बात याद रखिएगा, इनवर्स। एल से क्या मुराद है, जितने भी लॉग के फंक्शन आएंगे। ए से मुराद तमाम के तमाम अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। टी से क्या मुराद है जी, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। और ई से क्या मुराद है जी, एक्सपोनेंशियल। इट मींस के फर्स्ट प्लेस पे हम किस फंक्शन को रखेंगे, इनवर्स को, सेकंड प्लेस पे हम लॉग को, थर्ड पे हम रखेंगे किसको, यानी कि मतलब ये अरेंजमेंट होगी अगर आपके पास इनका मिक्सचर आ जाता है, लेट्स सपोज पहले आ जाता है जी
अलजेब्रिक बाद में आ जाता है इनवर्स, तो आपने फिर उसको रीअरेंज करके पहले इनवर्स को लिखना है, बाद में अलजेब्रिक को लिखना है। अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ जाए तो पहले अलजेब्रिक को लिखना है, बाद में आपने एक्सपोनेंशियल को लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी टेक्निक को फॉलो करना है और इंशाल्लाह तबरक तआला ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हमारे पास पार्ट नंबर वन है सोल्यूशन। सबसे पहले आप लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए अब ये जो x है ये हमारे पास है अलजेब्रिक, और जो साइन है वो है हमारे पास क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक। तो देखिए a यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक से पहले आ रहा है, यानी कि अलजेब्रिक पहले बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये एज इट इज ही अरेंजमेंट रहेगी। इसको बेटा आपने वन का नाम ये फर्स्ट प्लेस पर रहेगा और ये आपके पास सेकंड प्लेस पर रहेगा। ये बेटा आपने एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं बनानी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आपने एज इट इज ही अप्लाई कर देना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। So, बेटा आपके पास आएगा कि i is equal to first function as it is, यानी कि x as it is sin की integration plus, sorry not plus, dx minus integration और derivative first function, x का derivative आप लें और integration again first function, ये आ जाएगी मेरे पास dx। अब dear students ये मेरे पास आएगा कि x as it is sin की integration क्या होती है जी, minus cos, so ये मेरे पास आएगा जी माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस को मैं शुरू में ले गया, माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी वन, साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हुए, सो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, सो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी साइन, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर वन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट की इस क्वेश्चन के अंदर समझ आ गई। अभी फर्दर हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू को मैं यहीं पर लेट कर रहा हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो। डियर स्टूडेंट हमें जस्ट नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स दे दिए, जब हमें सिंगल फंक्शन दिया जाएगा ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर दफा अगर हमें सिंगल फंक्शन दिया जाए तो आपने अपने से वन लगा देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। अगर हमें वो कहे विदाउट कहे कि आप इसको विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें, तो इसको तो हम सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हम या तो वो डायरेक्ट हम वो रूल लगा सकते हैं कि अगर इसका नेचुरल लॉग एक्स का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर हम वो टेक्निक यूज कर लेंगे, तो वो हम हमारे पास नहीं है। तो अगर हमारे पास वो नहीं है तो फिर हम अपने से वन लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डॉट वन डी एक्स। अब ये आपके पास है जी फर्स्ट फंक्शन और ये है आपके पास सेकंड फंक्शन। फिर बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये वन और टू, यानी कि ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ जी। आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज और वन की इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस d by dx of, यानी कि first function का derivative natural log of x और again first function की integration, ये आ गई मेरे पास ठीक है जी। यहाँ पे dear students हमने कर दी है छोटी सी mistake, चल ठीक है as it is ठीक है जी। तो dear students ये मेरे पास आ जाएगा जी, mistake पत्र क्या है वो mistake आप लिख लें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, साथ में dx भी लिख लेना है। अब क्योंकि ये जो dx है वो इसके साथ तो मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा उसका साइन का साइन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x को, वो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन फिर जब मैं अगेन cos के लिए लूंगा तो फिर ये कहां से है, तो इसलिए ये इसके लिए आपने हर दफा बाहर लिख लेना है। इस तरह आपने बेटा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके लिए यहाँ पे अगेन dx लिख लेना है। अब ठीक है जी, तो dx स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी नेचुरल लॉग x, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है जी x है,
माइनस इंटीग्रेशन जी दो डी एस ये मेरे पास नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है जी वन ओवर एक्स, यहाँ पे लिखे वन ओवर एक्स और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरे पास आएगी जी एक्स साथ में डी एक्स, ये यहाँ से हुआ कैंसल। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी I is equal to natural log of x into x minus integration 1 dx. So I is equal to natural log x dot x minus x integration with respect to x. So x plus integration constant. ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। Next dear students मेरे पास part number 3 है, इसके अंदर हमें उसने दे दिया है जी, इसको पहले मैं let कर लूँगी, let I is equal to इंटीग्रेशन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम किस तरह आई लेट को अप्लाई करेंगे, यानी कि इस रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है जी एक्स आ रहा है, सेकंड पे क्या आ रहा है जी नेचुरल लॉग आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए लॉग पहले आता है अलजेब्रिक बाद में आता है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको पहले लिख लेंगे और अलजेब्रिक को बाद में, यानी कि लॉग को पहले लिख लें और अलजेब्रिक को बाद में। तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपके पास सेकंड है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो लिखें आप यहाँ पे अप्लाई करें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाय आईबीपी, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स की इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस, यहां पर डाले स्क्वायर ब्रैकेट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स आ गई मेरे पास। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जी एक्स स्क्वायर ओवर टू, ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जी डी एक्स मेरे पास आएगी जी एक्स स्क्वायर ओवर टू डी एक्स, यहाँ से एक एक्स एक्स से कैंसिल आउट हुआ। सो नेचुरल लॉग एक्स एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन बाय टू को बाहर लिख लें इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स डॉट एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन ओवर टू डॉट एक्स की इंटीग्रेशन होगी जी एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स डॉट एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन ओवर फोर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है जी फोर, लेट कर लेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x square natural log x dx। same इसी तरह ds में भी ये क्वेश्चन होगा, देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी x square आ गया, पहले हमारे पास क्या आता जी x था, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करने के लिए आप पहले इसको क्या करें रीअरेंज करें, यानी कि पहले आप log वाले फंक्शन को लिखें बाद में आप अलजेब्रिक को लिखें dx। ये आपके पास है जी फर्स्ट फंक्शन और ये है जी आपके पास सेकंड फंक्शन। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x और इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन dx एंड होल dx ये आ गया, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x क्यूब ओवर 3, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा जी x 3 ओवर 3 माइनस इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 ओवर x डॉट। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी x 3 ओवर 3 dx ये आ गया मेरे पास, यहां से एक x से ये कैंसिल आउट हुआ, तो नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी I is equal to natural log x dot x 3 over 3 minus 1 over 3 को बाहर लिख लें, so 1 over 3 आ गया बाहर integration x square dx याद रखने के पास, so natural log x dot x cube over 3
माइनस वन ओवर थ्री डॉट एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स थ्री ओवर थ्री प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स क्यूब ओवर थ्री माइनस वन ओवर नाइन एक्स क्यूब प्लस सी, ये मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फाइव है। पार्ट नंबर फाइव को मैं लेट कर रहा हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ये एक बड़ी सीक्वेंस चल रही है, पहले हमने x रेज़ ऊपर 1 को डिस्कस किया, x के रेज़ यहां पे x क्यूब आ गया, तो इससे बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, जस्ट वही आपकी जो है वो प्रैक्टिस है कि पहले आपने क्या करना है जी, नेचुरल लॉग को पहले रखना है, बाद में आपने इसको जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको रखना है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x डॉट x क्यूब dx ये आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह वन बाय वन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस हो। सो यूजिंग या बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड की इंटीग्रेशन, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये मेरे पास सेकंड। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इंटू डी एक्स याद है मेरे पास। सो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी जी एक्स फोर ओवर फोर माइनस इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा जी वन ओवर एक्स डॉट एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी जी मेरे पास एक्स फोर ओवर फोर डी एक्स। So, यहां से एक बटा कैंसिल हो गया, 1 ओवर 4 को आप बाहर लिख लें, i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x डॉट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन x 3 dx। सो बेटा ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगी नेचुरल लॉग x x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 डॉट x क्यूब इंटीग्रेशन की 4 ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जस्ट इन द प्रोडक्ट ले लें। सो i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x माइनस सॉरी नॉट माइनस प्रोडक्ट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 16 x रेज़ टू पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास, लेट कर लें आप लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x 4 नेचुरल लॉग x dx। देखिए यहां पे हमारे पास क्या आ गया जी, अब x 4 साथ में हमारे पास क्या आ गया जी नेचुरल लॉग x आ गया। सो वेरी सिंपल, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको रीअरेंज कर लें। पहले सबसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x डॉट x 4 dx, ये सेकंड फंक्शन होगा आपके पास और ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ये डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि इसको पेपर में नहीं लिखना, ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो पेपर में ये काम नहीं करना जी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा और एक्स फोर की इंटीग्रेशन कर दें माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स फोर dx into dx यार ये मेरे पास natural log x x 4 की integration क्या होगी जी x 5 over 5 यानी कि एक इसमें add करते हैं वो फिर denominator में हम ले जाते हैं minus integration natural log की हमारे पास natural log का हमारे पास derivative है जी 1 over x dot x 4 की integration है जी x 5 over 5 dx, यहाँ से एक cancel out हुआ। so dear students ये मेरे पास आ जाएगी जी natural log x x raised to power 5 over 5 माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर 5 को आप बाहर लिख दें x रेज टू पावर 4 dx। सो नेचुरल लॉग x x रेज टू पावर 5 ओवर 5 यहां पर dx में प्रोडक्ट है माइनस 1 ओवर 5 डॉट x 4 की इंटीग्रेशन x 5 ओवर 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो जस्ट प्रोडक्ट ले लें x रेज टू पावर 5 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 25 x 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक के क्वेश्चन। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम नेक्स्ट पार्ट की जानते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स x
डी एक्स। अब यहाँ पे हमें अगेन एक सिंगल फंक्शन दिया गया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास दो फंक्शन का क्या हो, प्रोडक्ट हो। तो अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन होगा तो फिर हम अपने से वन उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स डॉट वन डी एक्स या यूजिंग या बाय अप्लाई बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। या हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट क्या होता है जी, हमारे पास देखिए ना आई लेट मैंने बताया आपको, तो लेट आई से मतलब इनवर्स, तो इनवर्स हमारे पास फर्स्ट पे होना चाहिए, लेकिन इनवर्स जो भी फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। या सो ds प्लस ये मेरे पास आएगी tan इनवर्स x डॉट 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो x माइनस, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x dx। सो ds प्लस ये मेरे पास आ जाएगी tan इनवर्स x डॉट x माइनस x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए डी स्टूडेंट हमारे पास ये जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाए तो ये आएगी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स तो मौजूद है तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं एंड डिवाइड भी, tan इनवर्स ऑफ x डॉट x माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। सो ये मेरे पास आ जाएगी tan इनवर्स x डॉट x माइनस 1 ओवर 2। अब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है जी हमारे पास, मैं इसको यहीं पे लेट कर रहा हूं कि लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन एक्स। अगर हम आई लेट के फार्मूला को देखें तो एल ए टी, ए पहले टी बाद में, यानी कि अलजेब्रिक पहले आता है और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकंड। सो इसको हम अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो आई इज इक्वल टू सॉल्यूशन बेटा मैं यहां से ले रहा हूं जिसे मैंने लेट किया x square as it is sine की integration dx minus square bracket integration derivative of x square और integration sine x dx dx या आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा ये मेरे पास आ जाएगा जी i is equal to x स्क्वायर, अब बेटा साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कॉस, तो यहां पे मेरे पास आ गई माइनस कॉस x, ये आ गया मेरे पास माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जी 2x और साइन की इंटीग्रेशन मेरे पास आ गई माइनस कॉस x इनटू dx। सो i इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया जी माइनस x स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस और ये मेरे पास आएगा जी 2 को बाहर लिख दें इंटीग्रेशन x cos x dx। यहां पे ds में अगेन हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि अगेन हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, तो अगेन हम यहां पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो i इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2 एज इट इज जी। तो डी एस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन करते डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, याद है मेरे पास, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है।
इस तरह लिख लें यार, इस तरह लिख लें बात ए की है डी इसमें, ठीक है जी। तो डी इसमें ये मेरे पास आ जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू को तो बेशक मल्टीप्लाई करवा दें, टू एक्स साइन कॉस की इंटीग्रेशन होती है जी साइन एक्स, और ये मेरे पास आएगा जी माइनस टू, इसका डेरिवेटिव आ गया जी मेरे पास वन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कॉस की क्या होगी मेरे पास साइन, सो साइन एक्स डी एक्स ये आ गई, सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस ओके प्लस टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है जी 9, लेट I is equal to integration x square tan inverse x dx यार। अब dx में जब भी inverse function आएगा उसको हम first place पर रखेंगे और polynomial जो algebraic होगा उसको हम second place पर रखेंगे। So I is equal to integration tan inverse x dot x square dx यार मेरे पास। So by integration by part, integration by part, I is equal to first function as it is, यानी कि tan inverse x as it is, और x square की integration minus integration derivative of tan inverse x into integration x square dx whole dx, यह आ गया मेरे पास। जी तो dear students ये मेरे पास आ गया कि tan inverse x, x square की integration क्या होती है जी x cube over cube minus tan inverse का derivative होता है जी 1 over 1 plus x square, और x square की integration होती है जी x cube over cube dx यार। So dear students ये मेरे पास आ जाएगा जी tan inverse x dot x cube over 3 minus 1 over 3 को बाहर लिख लें, so ये मेरे पास आएगा जी x cube over 1 plus x square dx ये मेरे पास आ गया। अब डी स्टूडेंट्स देखें एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री न्यूमिरेटर के वेरिएबल की डिग्री से ज्यादा आ जाए तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है जी इम्प्रॉपर। सो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो देन हम फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको प्रॉपर में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं जी हमारे पास दो रूल होते हैं, या तो हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर हम डिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिवीजन को ही लेंगे, डिवीजन करना हमारे लिए आसान होगा। सो ये आपका पेपर का हिस्सा है, ये मैं आपके क्वेश्चन में ही कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स आपने एक्स क्यूब को अंदर रखना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। सो ये मेरे पास आएगा जी एक्स पे, यानी कि एक्स प्लस एक्स क्यूब, यानी कि सॉरी जी एक्स क्यूब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, सो ये इससे हुआ कैंसिल आउट, रिमेनिंग मेरे पास आएगा जी माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, देखें I is equal to tan inverse x dot x 3 over 3 minus 1 over 3 integration, आप इस तरह लिखना है जी x minus x over 1 plus x square into dx याद रखिएगा पास। अब dear students आप इसकी करते हैं integration तो ये बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए क्योंकि हमारे पास इसके रूल मौजूद हैं। I is equal to tan inverse of x into x cube minus 1 over 3। अब बेटा x की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, चलो मैं स्टेप कर देता हूँ जी x dx, और माइनस 1 over 3 को अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा जी आपके पास प्लस 1 over 3, देखिए माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन x over 1 plus x square dx यार मेरे पास। So tan inverse of x cube over cube minus 1 over 3 x square integration होगी जी x square over 2 plus। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है जी 2x, so 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमेरेटर में 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करना, जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 3 6 इंटीग्रेशन 2x over 1 plus
एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आ गया जी। सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी टेन इनवर्स एक्स डॉट एक्स क्यूब ओवर क्यूब माइनस वन ओवर सिक्स टू थ्री दर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर सिक्स। फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम रूट की वैल्यू है वो मेरे पास आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके पार्ट नंबर नाइन के बाद टेन पार्ट ही हमारे पास पार्ट नंबर टेन में हमें कहता है जी जी लेट कर लें आप लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स एक्स डी एक्स ये आ गया। तो डीएस में यहाँ पे हमारे पास क्या था एक्स स्केयर था अब यहाँ पे कह दी एक्स आगे जी उसकी यहाँ पे स्केयर है यहाँ पे जस्ट एक्स है तो काम सेम ही हम करेंगे जी। तो डीएस में सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन पे पार्ट के लिए रीअरेंज करें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनवर्स को पहले ले आए और अलजेब्रिक को बाद में ले जाए ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपके पास सेकेंड। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये मेरे पास आएगा जी टेन इनवर्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इनटू x की इंटीग्रेशन ये आ गया ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स की मेरे पास आएगा कि tan इनवर्स x x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब ये 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 ये आ गया साथ में dx ये आ गया इज इक्वल टू tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 को बाहर लिख लें सो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब dx स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है तो आप क्या करें tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx ये करें यानी कि 1 को ऐड भी करते हैं सबट्रैक्ट भी करते हैं आपकी मर्जी है आप डिवीजन कर लें या ये काम कर लें आपकी अपनी मर्जी है जैसे आपको समझ में आए। सो tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन इसको ds में सब अलग-अलग करके लिख लो यानी कि 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया जी माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx ये आ गया मेरे पास जी। तो dx स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 ये हुआ इससे कैंसिल आउट सो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा जी tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 dx ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx ये आ जाएगा मेरे पास ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x आएगी प्लस 1 ओवर 2 और 1 ओवर 1 प्लस x की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर ds में कोई कॉमन लेना हो कॉमन लेनी यहां तक रहने दे तब भी आपका आंसर ठीक है। सो एक दफा आप पूरे व्हाइट बोर्ड की व्हाइट बोर्ड का सर्विस शॉट ले लें फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट की जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 11 है मैंने नेट कर ली कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब tan इनवर्स x dx सेम जिस तरह हमने पार्ट 10 और 9 किया इसी तरह हम इसको भी करेंगे। इंटीग्रेशन में पार्ट के लिए सबसे पहले आप क्या करें इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट प्लेस पे ले आए और अलजेब्रिक को सेकंड पे ले आए dx याद रखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो ये मेरे पास आएगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और x क्यूब की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन ठीक है सॉरी यस सेकंड फंक्शन dx dx या इज इक्वल टू
tan इनवर्स x डॉट x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है जी x 4 ओवर 4 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर डॉट x 4 ओवर 4 dx ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू tan इनवर्स x डॉट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 को बाहर लिख लें और इसको लिख लें x रेज टू पावर 4 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx अब dx स्टूडेंट्स यहां पे अगेन हमारे पास क्या आ गया जी एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है इसको हम सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवीजन का यूज कर लें या फिर आप कोई चीज ऐड सबट्रैक्ट करके इसकी सिंपलीफिकेशन कर लें आपकी अपनी मर्जी होती है 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन मैं क्या करता हूं जी 1 को ऐड भी कर रहा हूं और मैं सबट्रैक्ट भी कर रहा हूं ठीक है 1 को मैंने क्या किया जी ऐड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इसके बाद मैं क्या करता हूं जी इसको मैं लिख लेता हूं जी tan इनवर्स x डॉट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन इसको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूं जी 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इसकी तो हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है प्लस x 4 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx ये आ गया मेरे पास अब dx स्टूडेंट्स हम यहां पे अलजेब्रिक एक फार्मूला यूज करेंगे तो मेरे पास ये आएगा ये tan इनवर्स x डॉट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस इसको लिख लें x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 करके लिख लें इसको भी dx ये देखिए a प्लस b इनटू a माइनस b तो यही फॉर्म मेरे पास बने ठीक है सो यहां से बेटा ये हुआ कैंसिल आउट सो मेरे पास अब मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकता हूं मेरे पास इंटीग्रेशन भी मौजूद है tan इनवर्स ऑफ x डॉट x रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx और माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 dx ये आ गया इंटीग्रेशन मैंने क्या कर दी जी इंडिविजुअली अप्लाई कर दी जी तो डीएस प्लस नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ x डॉट x 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 अब इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है 1 ओवर 1 प्लस x की इंटीग्रेशन होती है जी tan इनवर्स सो ये मेरे पास आएगा जी tan इनवर्स x और माइनस 1 ओवर 4 इनटू बेटा x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास x क्यूब ओवर क्यूब होगी तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब ओवर क्यूब माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x सो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां तक भी रहने दे तब भी आपका आंसर ठीक है अगर आप इसको सिंपलीफाई कर दें तब भी ठीक है आपकी अपनी मर्जी है यानी कि आपके जो बुक के पीछे आंसर है वो कोई भी हो सकता है वो 1 ओवर 4 को कॉमन लेके भी हो सकता है आप एज इट इज रहने दें तब भी आपका आंसर ठीक है तो मैं यही तक इसको रहने देता हूं ये डीएस स्टूडेंट्स मैंने यहां पे ना ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है यानी कि x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी x क्यूब ओवर क्यूब और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी x होती है विद रिस्पेक्ट टू x तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 11 नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर इसका 12 पार्ट नंबर 12 है जी हमारे पास पार्ट 12 लेट कर लें आप लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x x क्यूब cos x dx एक बात ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो आपने उसकी डिग्री देखनी है मतलब कि यहां पे देखना क्यूब है ना तो इसके ऊपर हमने 3 टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना ये बात याद रखिएगा जितनी अलजेब्रिक अगर वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा कंडीशन ये है कि अगर वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो उस अलजेब्रिक फंक्शन की जितनी पावर होगी उतने टाइम हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखिएगा इसकी पावर 3 है तो इसको मैं 3 टाइम क्या करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इवैल्यूएट करूंगा कैसे एक दफा हम फर्स्ट करते हैं इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लें इसको आप सेकंड पे ओके आई लेट के फार्मूला से एल ए ए होता है अलजेब्रिक और टी उसके आगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड प्लेस पे होता है बाय द वे सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस की इंटीग्रेशन माइनस
derivative of first function into integration of second function dx into dx या derivative. Next मेरे पास क्या है कि x cube cos की integration होती है sin x और minus integration x cube का derivative होता है 3x square cos की integration sin x dx या derivative. अब dx अगेन यहाँ पे आप integration by part को use करेंगे क्योंकि अगेन यहाँ पे दो फंक्शन का भी प्रोडक्ट चल रहा है. सो ये मेरे पास आएगा जी x cube sin x minus minus dx में ये मेरे पास आएगा जी. चलिए आप यहाँ पे 3 को पहले लिख लें. अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट को लगा दें. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और sin की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी. चलिए लिख देते हैं जी इनका sin इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन derivative of first function x square into integration second function. ये आ गया. ठीक हो गई. यहाँ पे हम square bracket को close कर देंगे. Is equal to x cube sin x. इसको multiply करवा देंगे. So minus minus plus 3 x square cos x. मैंने देखिए यहाँ पे प्लस कर दिया. कैसे? जब मैं साइन की इंटीग्रेशन करूंगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गए. ठीक है. और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा प्लस 3 इंटीग्रेशन 2x और साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, माइनस कॉस एक्स डी एक्स या इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 को बाहर निकाल लें 6 इंटीग्रेशन प्लस माइनस माइनस 6x cos x dx. देखिए बेटा मैंने आपको कहा था कि जितनी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की पावर होगी उतने टाइम हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हम यहां पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब sin ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर cos x minus 6 first function as it is cos की integration minus derivative of first function or integration of second function और square bracket close. ये आ गया मेरे पास जी. तो dear students ये मेरे पास आ गया जी I is equal to x cube sin x plus 3x square cos x माइनस देखिए माइनस 6x sin की cos की इंटीग्रेशन होती है sin. मैंने इसको डायरेक्टली 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा के माइनस माइनस प्लस 6 इंटीग्रेशन sin x dx. सो I will become x cube sin x plus 3x square cos x minus 6x sin x minus 6 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी. तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 13 है. पार्ट नंबर 13 लेट करने लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. ये है हमारे पास. ठीक है जी. यहाँ पे अगेन हमारे पास ये स्टूडेंट सिंगल फंक्शन है. सो आप सबसे पहले क्या करें, इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना जरूरी है. साइन इनवर्स एक्स डॉट वन डी एक्स याद रखें. ठीक है जी. अब ये स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट को यूज करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin inverse x as it is or 1 key integration with respect to x minus integration derivative of first function into integration of 1 dx into dx. Yeah, I think that I is equal to sin inverse x in 1 key integration with respect to x. So you beta mere paas aayegi ji just x minus sin inverse का derivative क्या होता है जी, 1 over square root 1 minus x square dot
x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, y की इंटीग्रेशन x dx याद हो जाएगा पास। नेक्स्ट हम ds फ्रेंड्स क्या करते हैं जी, इसको इधर ले आते हैं। I is equal to sin inverse x, ठीक है जी, sin inverse x dot x। अब देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू एक्स, ठीक है माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास x तो आ रहा है लेकिन माइनस नहीं, इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ या माइनस टू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा कि प्लस वन ओवर टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ जाएगी मेरे पास, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स, सो प्लस वन ओवर टू इंटीग्रेशन, इसको आप ऊपर ले जाए, वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू माइनस टू एक्स डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस वन ओवर टू, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम ये पावर रूल यूज करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस वन ओवर माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो डी एस फ्रेंड्स फाइनल मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस वन ओवर टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू, जब आप इसके एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में भी वन बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये हुआ इससे कैंसिल आउट। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास इसका। जी तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर 14 है, मैंने लेट कर दिया जी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, हमने इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास आई लेट के अकॉर्डिंग जो इनवर्स फंक्शन है वो फर्स्ट पे होना चाहिए और अलजेब्रिक सेकंड पे होना चाहिए, ये फर्स्ट फंक्शन बना और ये सेकंड। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, याद है ठीक है जी। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास जी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है कि हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की इंटीग्रेशन होगी जी x स्क्वायर ओवर 2 dx, ये आ जाएगी मेरे पास। I इज इक्वल टू sin इनवर्स x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 को बाहर ले इंटीग्रेशन से, इसलिए मेरे पास आएगा जी x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब ds में देखिए यहां पे अगेन हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, तो इसको प्रॉपर में लेके जाने के लिए हम या तो डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन तो हम नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें मेरे पास आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या चीज माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ इस माइनस को अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ 1 को ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने करना है, मैं थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, आपको ये स्टेप समझ आना चाहिए। पहले मैंने क्या किया जी इस माइनस को अंदर लेके गया, यहाँ पे प्लस हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी 1 ऐड भी कर दूंगा और यहाँ पे मैं देखिए ये सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, ये मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिखने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा ठीक है जी। अब डी एस में साहब ये जानते हैं कि इसको हम रेशनलाइज जब करेंगे तो ये मेरे पास आएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन, ये मेरे पास आएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बड़ी दफा आपको ये चीज बताई है कि अगर हमारे पास देखें ये आता कैसे है, आप क्या करें यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप रेशनलाइज करते हैं
वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग भी करवा दें एंड डिवाइड भी करवा दें, सो ये उससे होगा मल्टीप्लाइंग वन माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाइंग होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट, तो जस्ट मेरे पास क्या बच गई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें ये मेरे पास ये स्टेप इस तरह हो गया आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास ये एज इट इज वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई करवाते हैं। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस वन ओवर टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स बजाय कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें और मजीद क्वेश्चन को लंबा कर दें, हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 का बी पार्ट प्रूव किया था, तो उसका रिजल्ट ये था, इसको हमने प्रूव भी किया था, तो आपको ये पता भी है कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, आप अपनी बुक ओपन करके देख भी सकते हैं। अब देखें हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो अगर बेटा यहां पे मैं a की जगह पे पुट कर दूं, पुट a इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन, मैंने कहा था कि इनको जब हम प्रूव करेंगे तो आगे हम इनको अपने क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। सो a की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 1, तो जस्ट x लिखा जाएगा प्लस x इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इट मींस के इसकी जगह पे हम उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डॉट x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। अब इस इंटीग्रेशन की जगह पे मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 1 तो प्लस c जो है वो हम एंड पे जाके लगा देंगे जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो मेरे पास ये आएगा कि यहां पे मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूं तो ये मेरे पास आएगा जी 1 ओवर 2 sin इनवर्स x प्लस x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2, ये आ गई मेरे पास। और ये स्टूडेंट्स इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन है sin इनवर्स की, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 1 ओवर 2 sin इनवर्स ऑफ x, ये आ गई मेरे पास प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम यहां पे यूज करें जस्ट अब ये स्टूडेंट्स आप सिंपलीफाई कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा i is equal to sin inverse x dot x square over 2, इसको मल्टीप्लाई करवा दे प्लस 1 over 4 sin inverse x प्लस 1 over 4 x into square root 1 minus x square minus 1 over 2 sin inverse x प्लस c, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो 1 over 4 एंड माइनस 1 ओवर 2 इसको मैं रफली कर रहा हूं, यानी कि 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2 और आप साइन इनवर्स को जब बाहर लेंगे तो ये आपके पास आएगा, एलसीएम टेक करें 4 एलसीएम आ गया 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर आ गया आपके पास माइनस 1 ओवर 4 साइन इनवर्स x, तो इट मींस कि जब हम इसको और इस टर्म को क्योंकि ये दोनों sin inverse के इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 1 ओवर 4, सो i इज इक्वल टू sin इनवर्स x x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 sin इनवर्स x प्लस 1 ओवर 4 x into 1 minus x square plus integration constant, so dear students ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 15 की जानिब, पार्ट नंबर 15 है, मैं लेट कर रहा हूं जी, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गई हमारे पास अब sin x into cos x dx,
तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया है। तो अगर हमारे पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दो फंक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये बड़ा आसान है बनाना। आप क्या करें, टू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी साइन की। सो सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं बेटा। सो आई इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दिया। सो ई रेज टू पावर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, ये तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन, इसको आप लिख लें यानी ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x dx जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आईलेट के अकॉर्डिंग पढ़ा, LATE एंड पे आता है सब पे, यानी कि एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ई रेज टू पावर एक्स, इसको हम एंड पे ले जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे, यानी कि 1/2 फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास आएगा जी साइन 2x डॉट ई रेज टू पावर एक्स dx। इसके ऊपर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो ये मेरे पास आएगा जी 1/2 i इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन 2x एज इट इज और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx इनटू dx, या जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं जी 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट साइन 2x, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है तो हमारे पास इसकी भी इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगी, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी कॉस, और फिर एंगल का लेंगे तो 2 इनटू कॉस 2x और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx अगेन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी इस फॉर्म में 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 साइन 2x डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1/2, जब आप 2 को बाहर निकालेंगे चलेंगे इस तरह में कर लेंगे ये 2 बाहर लिख लें और 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जी cos 2x डॉट ई रेज टू पावर एक्स dx। डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज करें। सो ये 2 2 से हुआ कैंसिल आउट, सो i इज इक्वल टू 1/2 sin 2x डॉट e रे टू पावर x माइनस, यहां पे यूज करें स्क्वायर ब्रैकेट cos 2x एज इट इज और e रे टू पावर x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन e रे टू पावर x dx इनटू dx, ये फॉर्म। और यहां पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है। सो i इज इक्वल टू 1/2 sin 2x dot e raise to power x मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस cos 2x dot e raise to power x माइनस माइनस प्लस, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस sin, तो यहां पे चले मैं स्टॉप कर देता हूं जी माइनस 2 sin 2x e raise to power x dx, ये आ रही मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी, नेक्स्ट आ जाएगा जी मेरे पास ये, यहां से हम क्या करते हैं जी इसको रेस। i इज इक्वल टू इसको डियर स्टूडेंट्स आप लिख लें वन ओवर टू साइन 2x डॉट e रेज टू पावर x माइनस cos 2x डॉट e रेज टू पावर x एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को बाहर लिख लें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन 2x
टू पावर एक्स डी एक्स ही आ जाएगी मेरे पास। अगर डी एक्स स्टूडेंट्स यहां से मैं वैल्यूज निकाल लू, देखिए ये मेरे पास आएगा जी टू, इधर क्या हो रहा है जी डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अगर मैं यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट यूज करूँ तो ये तो चलता जाएगा आगे, ठीक है, फिर आपके पास साइन आएगा कॉस आएगा साइन कॉस इसी तरह चलता जाएगा। तो देखिए डी एक्स ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन टू एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स मेरे पास इक्वल है टू आई के। तो यहाँ पे मैं ना इस वैल्यूज को आगे यूज कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाइड बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आई इज इक्वल टू वन ओवर टू साइन टू एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉस टू एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स, यानी माइनस टू इंटू टू आई, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लिए। अब देखिए मुकम्मल हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो गई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पर जो कांस्टेंट है वो भी लगा दें, ठीक हो गया। अब इसमें से आप एक्सपोनेंशियल को बाहर कॉमन ले लें और इसको उठा के इधर ले आए तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी आई इज इक्वल टू चले आप अभी कांस्टेंट ना लगाएं, बाद में फिर स्टूडेंट्स कहेंगे जब हम ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर थोड़ा एंड पे जाकर कॉन्स्टेंट लगा देंगे जी। तो डी स्टूडेंट्स ये जब इधर आएगा तो चले एक्सपेक्ट कर लेते हैं जी वन ओवर टू साइन 2x dot e raised to power x minus cos 2x dot e raised to power x minus 4i, yeah. तो 4i को आगे इधर लें i plus 4i is equal to, बट आप exponential को भी बाहर कॉमन ले लो, e raised to power x को मैंने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर बच के जी 1 over 2 sin 2x minus cos 2x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये काम कर लगा भी देंगे, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। कौन सा हमने थ्रू आउटपुट इक्वेशन से कॉमन लिया, हमने तो जस्ट इसमें से कॉमन लिया है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय कांस्टेंट का जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया कि 5i इज इक्वल टू e रेज टू पावर x 1 ओवर 2 sin 2x, बट आप यहाँ पे cos की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर दें, cos की जो डबल एंगल आइडेंटिटी है वो हमारे पास होती है जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होती है हमारे पास, ठीक है जी। आई चेक इट, यस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो रहा है, सो आई इज इक्वल टू 1 ओवर 5 e रेज टू पावर x इनटू 1 ओवर 2 साइन 2x, मल्टीप्लाई अंदर माइनस को करवा दें तो ये आपके पास आएगा जी प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है तो इसको एक दफा देखें आप, लेट कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स cos x dx याद रखना। सो सबसे पहले आपने इसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई या जब डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास होगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं कि i is equal to 1 by 2 x 2 sin x cos x होगा, यानी ये वो मैंने स्टेप किया होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी पर इक्वल होगा जी sin 2x, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि sin 2x according to i late LAT, A पहले आता है यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन और T बाद में यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन होगा। सो इंटीग्रेशन पर पार्ट हम यूज करेंगे I is equal to 1 over 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin की इंटीग्रेशन dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया 1 ओवर 2 x और sin की इंटीग्रेशन क्या होगी जी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 और माइनस cos
2x over 2 dx ये आ रही है हमारे पास। सो 1 over 2 चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 over 4 ये आ गई मेरे पास 1 over 4 x cos 2x और माइनस माइनस प्लस 1 over 2 चलो ये भी 2 को बाहर निकाल तो ये आपके पास 4 हो जाएगा 1 over 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी माइनस 1 over 4 x cos 2x प्लस 1 over। अब जब मैं sin cos की इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास cos की इंटीग्रेशन है कि sin 2x और डिनोमिनेटर में 2 2 2s आर 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s आर 8 sin 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स। हमारे पास पार्ट नंबर 17 है मैंने रट कर ली कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर x डॉट x dx। सबसे पहले मैंने क्या किया कि x को पहले लिख लिया और cos स्क्वायर को बाद में लिख लिया क्योंकि हमारे पास i लेट की अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। और यहां पे मैं ये स्टूडेंट्स cos स्क्वायर की वैल्यूज भी पुट कर रहा हूं जी हमें पता है कि हमारे पास वैल्यू होती है जी 1 plus cos 2x divided by 2 dx ये आ जाएगी मेरे पास। सो बेटा आप 2 को बाहर लिख लें 1 ओवर ये आ जाएगी 1 ओवर 2 और x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आएगी जी x plus x dot cos 2x dx ये आ जाएगी मेरे पास। यहां पे आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं I is equal to 1 over 2 integration x dx plus 1 over 2 1 over 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x dot cos 2x dx ये आ गया मेरे पास। यहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट I is equal to 1 over 2 x की इंटीग्रेशन होती है जी x square over 2 plus 1 over 2 ये मेरे पास आएगी जी फर्स्ट फंक्शन as it is तो cos की इंटीग्रेशन ठीक है जी cos 2x dx minus integration derivative of first function integration of second function and square bracket close। So dear students ये मेरे पास आ गया जी I is equal to 1 over 4 x square इसको अंदर multiply करवाते हैं 1 over 2 x dot cos की इंटीग्रेशन क्या होती है जी sin। सो ये डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगी जी sin 2x ओवर 2 एंड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 dx ये आ जाएगी sin का cos की इंटीग्रेशन sin होगी तो क्योंकि एंगल में 2x आ रहा है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2x लिखा जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1 ओवर 4 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 x sin 2x minus 1 over 4 sin की इंटीग्रेशन हम करते हैं कि जी sin 2x की इंटीग्रेशन आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी i is equal to 1 over 4 x square plus 1 over 4 x sin 2x minus अब sin की इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा जी minus cos वो minus और ये minus plus हो जाएंगे और sin cos 2x over 2 आएगा। so 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे so 1 over 8 cos 2x plus integration constant ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। dear students जब आप cos sin की इंटीग्रेशन करेंगे तो sin की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी जी minus cos over 2। so dear students 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 over 8 ये माइनस और जो साइन के साथ साइन की इंटीग्रेशन के साथ माइनस का वो प्लस हो जाएंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर है जी 18 उसके अंदर हमें उसने दे दिया है पार्ट नंबर 18 आप लेट कर लो जी लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x dx। so, सबसे पहले dear students आप क्या करें sin square की values put करें वो आप जानते हैं जो आपके पास होती है 1 minus cos 2x divided by 2 dx ये आ जाएगी। so again आप क्या करें 1 over 2 को बाहर लिख लें और x को अंदर multiply करवा दें x minus x cos 2x dx
ठीक है जी। अब डीएस मीन्स देखिए यहाँ पे आपके पास जस्ट प्लस है और यहाँ पे क्या है जी माइनस है, तो बाकी सेम क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, पहले आप एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आप अगेन उसी तरह क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करके यहाँ पे जो आपके पास था माइनस उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनके साइन चेंज। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 19 है, मैंने नेट कर लिया कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमने इसको इवेलुएट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं इसका जी, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट 1 डी एक्स। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब भी हमारे पास कोई सिंगल फंक्शन होगा तो हम उसके साथ अपने से वन लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में पार्ट तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन का क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग आई लेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जी, तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 19 है, मैंने लेट कर लीजिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब डी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास दो फंक्शन का क्या हो प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पे हमारे पास था सिंगल फंक्शन, तो मैंने क्या किया मैंने अपने से नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ वन का प्रोडक्ट ले लिया। अब हमारे पास ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, देन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन बन जाता है, और सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स अगेन डी एक्स ये आ जाएगा। सो डी स्टूडेंट्स हम जानते हैं नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन सबसे पहले हम यूज करेंगे पावर, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव ने, तो मान लो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जी सॉरी 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स डी एक्स, यहाँ से एक्स 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 से कैंसिल आउट हुआ, सो नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें नेचुरल लॉग एक्स डॉट 1 डी एक्स, अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करें, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट ये बेटा मल्टीप्लिकेशन हो गई एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज्ड ये हो जी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनल आंसर आ गई नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई करवा रहा हूं अंदर माइनस 2 नेचुरल लॉग एक्स, और यहां पे 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होगी प्लस माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स और 1 की इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहां से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, तो आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट एक्स माइनस 2 नेचुरल लॉग एक्स डॉट एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 20 है, मैंने लेट कर ली थी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल नेचुरल लॉग tan x डॉट सीकेंट स्केयर एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग के साथ हमारे पास क्या आ रहा है tan x आ रहा है और डॉट सीकेंट एक्स स्केयर है, तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन है और ये एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कर देना सब्स्टिट्यूशन तो हमारे लिए फर्दर ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे मैं पुट करता हूँ, पुट tan x is equal to t, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर हम उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, सो tan का डिफरेंशियल क्या आएगा जी secant square x, और x का डिफरेंशियल dx is equal to dt, सो i will become देखें
इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग टेन एक्स को मैंने लेट किया हुआ जी टी के, सो ये आ गया जी टी, और ये मेरे पास आ जाएगा जी डी टी की इक्वल, क्योंकि सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी डी टी के, तो यहाँ पे उसकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे हम ये अपने से वन लगा देते हैं और इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करते हैं, तो डी एस में ये मेरे पास आएगा जी, देखिए फर्स्ट फंक्शन एल इट इज और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, याद है। सो नेचुरल लॉग टी वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी टी माइनस वन ओवर टी डॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने अगेन डी एक्स डाल दिया, ये बेटा टी आ गया क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी डी टी, ये हुआ इससे कैंसिल आउट। सो नेचुरल लॉग ऑफ टी डॉट टी माइनस वन डी टी, सो ये आ गया जी नेचुरल लॉग टी डॉट टी माइनस वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब डी एस फ्रेंड्स टी को मैंने लेट किया जी टेन एक्स के, तो फाइनल उसकी वैल्यूज यहाँ पर टी की पुट करें, तो नेचुरल लॉग टेन ऑफ एक्स डॉट टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, वो है जी हमारे पास अब लेट कर लें लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, याद है। सो डी एस फ्रेंड्स आप पुट करें पुट साइन इनवर्स x is equal to t के, यहाँ से इसका differential find out करें, sin inverse का differential क्या होगा, हमारे पास होगा जी 1 over square root 1 minus x square dx, और ये आ गई मेरे पास dt, और यहाँ से अगर मैं x की values निकालूं, तो x की value मेरे पास क्या आएगी जी, x is equal to sin t, so ये integral मेरे पास कुछ इस form में आ जाएगा जी, i is equal to integration, देखें साइन इनवर्स एक्स को मैंने लेट किया जी टी के, और मेरे पास वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स के डी एक्स की वैल्यू क्या है जी डी टी है, तो मैं इसको ना थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको फिर किसी किस्म की कंफ्यूजन ना कि हम कैसे यहाँ की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बट आप इसको लिख लें एक्स साइन इनवर्स एक्स डॉट वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके अंदर वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें आप, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को रेज कर देता हूँ, अब देखिए x मेरे पास किसकी इक्वल है sin t के, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin t, और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स किसकी इक्वल मैंने लेट किया हुआ जी टी के, तो यहाँ पे आ गए साथ डॉट टी, और वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसकी इक्वल है जी डी टी के, तो यहाँ पे मेरे पास आ गए जी डी टी। अब डी एस स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेशन में पार्ट यहाँ पे अप्लाई करें, आई लेट के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है और जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो पहले आता है, तो इसको रीअरेंज कर लें, तो ये आएगा जी मेरे पास t डॉट साइन t dt। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, याद है। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी टी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस कॉस, सो माइनस शुरू में आ जाएगी कॉस टी माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, याद है।
So I is equal to minus d cos d minus minus plus cos d dt. So dear students, final mere paas ye aa jayegi t dot cos t plus cos ki integration hoti hai sin t plus integration constant. Ab maine dear students dekhe t ko sin inverse x equal put kiya hua hai. So yahan pe again uski values ko put kare minus sin inverse x dot cos sin inverse x plus sin into sin inverse x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दफा पूरे व्हाइटबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें. जी तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट हुआ, जिसके मैंने आपको 1 by 1 पार्ट्स कराए इस लेक्चर में. अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन के और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी वफा की डियर स्टूडेंट्स इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.